कनाडा के उत्तरी ओंटारियो शहर में गोलीबारी की एक घटना में 3 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार सोमवार रात ये घटना हुई। पुलिस ने कहा कि सभी 2 घरों में मृत पाए गए हैं। फिलहाल अपराध की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि हमें रात 10:20 पर हेल्पलाइन 911 पर कॉल प्राप्त हुई और पुलिस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मौके पर पहुंची पुलिस को 41 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। लगभग 10 मिनट बाद 911 पर दूसरी कॉल आई। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों को 45 वर्षीय व्यक्ति को घायल रूप में मिला, जैसे गोली लगी थी। इसके बाद 6 वर्षीय और 12 वर्षीय बच्चे के शव को भी बरामद किया गया, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें 44 वर्षीय एक और व्यक्ति का भी शव मिला है, शायद उसने गोली मारकर आत्महत्या की थी। पुलिस ने कहा कि इन दोनों घटनाओं का आपस में संबंध लग रहा है, शायद एक साथी की हिंसा में सभी की जान गई है। पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये गोलीबारी आसपास के 2 घरों में हुई है। पुलिस को प्राथमिक जांच में लगता है कि इन सभी मौतों का आपस में लिंक है और ऐसा लगता है कि पहले शूटर ने चारों को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि मामले में गहन जांच शुरू कर दी गई है। इस हादसे में हताहत होने वाले बच्चों की उम्र 6 और 7 वर्ष थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओटावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हंट क्लब रोड पर पिछले महीने ओटावा में एक शादी के रिसेप्शन में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 6 अन्य घायल हो गए थे। पीड़ित गिफोर ड्राइव के 2900 ब्लॉक पर इन्फेंटी कन्वेंशन सेंटर में रिसेप्शन में भाग ले रहे थे। ऐसे में ये एक महीने में दूसरी शूटिंग की घटना है। इस तरह की और भी अपडेट्स जानने के लिए नवभारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।